इतना एरिया सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ से टेबल पे क्लिक किया, मैंने कहा मुझे टेबल का स्टाइल चाहिए, ओके कर देंगे तो इस तरह से स्टाइल आएगा। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टाइल होते हैं कि आपको ऐसा स्टाइल चाहिए, वैसा चाहिए, वैसा चाहिए, तो इस तरह से आप ले सकते हैं। यहाँ पे न्यू टेबल स्टाइल होते हैं, इसके अंदर से ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फॉर्मेट में क्लिक किया, इसके अंदर राइटिंग स्टाइल अगर उसकी वैल्यू के चाहिए तो इस तरह से अगर इनको चेंज करना है तो यहाँ से हम कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारा इंसर्ट में क्लिक किया, इंसर्ट में जाकर पिक्चर, पिक्चर में क्लिक किया, यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लो, तो इस तरह से पिक्चर दिखाई दे रही है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पिक्चर आती है ऐसे। इसमें क्लिक किया, मैंने कहा मुझे कंट्रास्ट चाहिए, कलर ऐसा चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए या कम ब्राइट चाहिए। मैं क्लिक किया, मैंने कहा मुझे ऐसे स्टाइल में चाहिए। 3D में चाहिए, ये 3D इफेक्ट आएंगे। यहाँ पे कोई और पिक्चर चाहिए तो और एक पिक्चर ले ली, मैंने कहा मुझे इस पिक्चर को उसके पीछे लेके जाना है, इसमें ऐसे क्लिक किया, सेंड टू बैक करेंगे तो बैक जाएगा, ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो दोबारा आगे आएगा। सिलेक्शन पेन पे क्लिक किया, जैसे आपको पीछे बताया था कि ऐसे क्लिक करेंगे तो हटेगी, क्लिक करते ही आएगी। इंसर्ट में क्लिक किया, जैसे क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट के अंदर यहाँ से मान लो जो भी आपको क्लिप आर्ट चाहिए वो ले सकते हैं, कार चाहिए, कुछ और चाहिए, ये देखो। इंसर्ट में क्लिक किया, शेप्स, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की शेप होती हैं, कोई सी भी शेप आप यहाँ से बना सकते हैं। इंसर्ट के अंदर ही आप अगर अपनी तरफ से भी कोई शेप क्रिएट करना चाहें तो कर सकते हैं, तो इसमें अलग अलग टाइप के ये होते हैं। एक कर्व वाले पे क्लिक करके हम अपनी शेप भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कलर चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं। और ये एडिट पॉइंट होता है, चेंज आईडी, एडिट पॉइंट में क्लिक किया, अब इसको इस तरह से हम मूव कर सकते हैं। राइट, तो इस तरह से आप इतना अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं आती है दोबारा से पूछ लें।